जय श्री कृष्णा। डीवी भारती समाचार चैनल में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। रोजाना की तरह दैनिक जन्म राशि फल, आइए जानते हैं आज 12 राशियों का फल, किन राशि वालों की बदल सकती है तकदीर एवं किन राशि वालों की समय में है उतार चढ़ाव की स्थिति। सबसे पहले राशि है मेष। आज आपके लिए कहीं भी आप जाते हैं तो भगवान श्री हनुमान जी महाराज की आराधना करें या भगवान श्री हनुमान जी के दर्शन करके ही बाहर निकलें तो आपकी यात्रा एवं आपका कार्य सिद्ध और संपन्न हुआ। दूसरी राशि है वृक्ष। वृक्ष राशि वाले व्यक्ति, आपके लिए आज ऐसा सुंदर योग बन रहा है जो कि आपकी काफ़ी समय या वर्षों से अटका हुआ था वह सिद्ध संपन्न हो सकता है। तीसरी राशि है मिथुन। मिथुन राशि वाले व्यक्ति, आपको आज घर परिवार वालों से सहयोग प्राप्त होगा, स्त्री पक्ष से भी सहयोग प्राप्त होगा एवं व्यापार में नई ऊंचाइयां आप छू सकते हैं। चौथी राशि कर्क। कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए आपको आज वाहन से सचेत सतर्क रहने की आवश्यकता है और आप भगवान श्री चंद्रदेव या भगवान शिव जी की आराधना करें, दर्शन करें, शिव पंचाक्षर मंत्र का जाप करें तो श्रेष्ठ और उत्तम होगा। पांचवी राशि सिंह। सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए आपके लिए आज आप भूमि आदि से संबंधित कोई व्यापार करते हो तो श्रेष्ठ और उत्तम होगा। छठवीं राशि कन्या। कन्या राशि वाले व्यक्ति, आपको आज के दिन कई वर्षों या महीनों से अटका हुआ काम सिद्ध संपन्न हो सकता है, सचेत और सतर्क रहने की आवश्यकता है। सातवीं राशि तुला। तुला राशि वाले व्यक्तियों को आज आप कोई भूमि खरीद सकते हो या प्रॉपर्टी बेच सकते हो, आपके लिए श्रेष्ठ और उत्तम दिन है। आठवीं राशि है वृश्चिक। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज आप कहीं घूमने को जा सकते हैं अथवा किसी तीर्थ क्षेत्र की यात्रा कर सकते हो। नवम राशि है धनु। धनु राशि वाले व्यक्ति, विद्या अध्ययन एवं सरकारी क्षेत्रों में आपको सफलताएँ प्राप्त होंगी। दसम राशि है मकर। मकर राशि वाले व्यक्ति, वाहन का क्रय विक्रय करते हो या आप कोई उद्योग व्यापार कंक्रीट या ठेकेदार हैं तो आपको बिजनेस में लाभ प्राप्त होगा। ग्यारहवीं राशि कुंभ। कुंभ राशि वाले व्यक्ति को आप आज वस्त्र आदि का व्यापार करते हैं अथवा आप ऊनी व्यापार करते हैं या वाहन का व्यापार करते हैं, श्रेष्ठ और उत्तम होगा। बारहवीं राशि मीन। मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए आपके लिए आज श्रेष्ठ और उत्तम दिन होगा और आपके शत्रु भी परास्त होंगे। आज आपके लिए कोई शुभ शकुन अथवा शुभ सूचना भी प्राप्त हो सकती है, किसी भी प्रकार की अनुष्ठान तंत्र तंत्रोक्त इत्यादि समस्या के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।